कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़्यादातर डॉक्टर हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन यह सैनिटाइजर आपके बचाव की जगह खतरनाक साबित हो सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पहली बार अलर्ट जारी किया है। देश में ऐसा सैनिटाइजर भी है जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। CBI ने इंटरपोल से मिली जानकारी के आधार पर देश भर में पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सतर्क किया है कि कई रैकेट काफ़ी मिथाइल के प्रयोग से बने सैनिटाइजर बेच रहे हैं, और एक अन्य तरह का रैकेट भी काम कर रहा है जो खुद को PPI और COVID-19 से जुड़ा मेडिकल बताता है। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों को ने दी थी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस सहयोगी एजेंसी इंटरपोल ने जानकारी दी है कि मिथाइल का इस्तेमाल फर्जी हैंड सैनिटाइजर बनाने में किया जा रहा है। मिथाइल काफ़ी जहरीला पदार्थ होता है। उन्होंने कहा कि COVID-19 के दौरान जहरीले हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बारे में दूसरे देश से भी जानकारियाँ मिली हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मिथाइल काफ़ी जहरीला पदार्थ होता है और यह मानव शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इंटरपोल से सूचना मिलते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने तुरंत पुलिस अधिकारियों को सतर्क कर दिया। इसके बचाव के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।